अस्सलामु अलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं कीमे के समोसे। इसके बहुत ही जो के बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में और बहुत ही मज़ेदार समोसे बनेंगे, बिल्कुल बाज़ार जैसे हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए कीमा है इसके लिए, और ये धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ भुना हुआ है 1 1 टेबल स्पून, और प्याज़ है हमने 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे इसमें। ये हमने प्याज डाल दी। हम इसको प्याज को 5 मिनट तक फ्राई करेंगे, जब तक प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, जब तक हम प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे। देखिए प्याज हम हल्का सा फ्राई करेंगे, 5 से 7 मिनट तक प्याज को हम फ्राई करेंगे। फिर इसमें हम कीमा डालेंगे, बीफ का कीमा है, इसे हमने पहले से गला के रख लिया है कीमे को हमने। ये देखिए प्याज हमारी ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, 5 मिनट तक हमने कर लिया। अभी कीमा, बीफ का कीमा है, इसे हमने पहले से गला के रख लिया है। लहसुन अदरक डाल के हमने इसको अच्छी तरह गला लिया है कीमे को। अब इसमें धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ भुना हुआ ये डाल दिया 1 1 टेबल स्पून। 1/2 टीस्पून इसमें हम सॉल्ट डालेंगे, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर डालेंगे। फिर हम इसे थोड़ा चलाएंगे। बहुत ही ईजी है और बहुत ही इजी रेसिपी है ये। आप लोग बनाएं, आप लोग को ज़रूर पसंद आएंगे, ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये देखिए 5 मिनट तक हम इसे चलाएंगे, फिर ये हमारा इसका कीमे का मिक्सचर रेडी हो जाएगा। फिर हम इसे समोसों की जो पट्टियाँ होती हैं उसमें हम इसको फिल करेंगे। देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही मेरी कोशिश होती है आप लोगों के लिए आसान से आसान रेसिपीज़ लेके आऊँ, जो आप लोग बासानी तैयार कर सकें। ये देखें समोसों की पट्टियाँ हैं, इसमें हम ये इसकी फिलिंग रखेंगे कीमे की। फिर हम इसे बहुत ही देखें इस तरह से करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से हम बनाएंगे इसे। ये आटे की हमने लई तैयार करके रखी थी, हम इसे करेंगे। फिर हम इसे अच्छी तरह फोल्ड करेंगे, देखें बासानी फोल्ड कर देंगे इसे हम। ये देखिए हमारे कीमे के समोसे रेडी हो चुके हैं, इस तरह से हम बना के तैयार कर लेंगे। इस तरह से हम और बनाएंगे। एक तरीका ये भी है, आप इस तरह से भी बना सकते हैं कीमे के समोसे बनाने के, बहुत सारे तरीके। देखिए एक तरीका ये भी है फोल्ड करने का, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ये देखें ये ऐसे किया आपने, ये कोन की तरह शक्ल शेप आ गई इसकी, तो आप इसके अंदर हम कीमा भर देंगे। ये देखिए जो हमने फिलिंग तैयार की है वो डालेंगे हम इसमें। ये देखिए अब हम इसे, ये देखिए हम इसे वो कर देंगे, अब हम इसे फ्राई कर रहे हैं। कीमे के समोसे हमेशा धीमी आंच पर, और इसको 5 से 7 मिनट तक फ्राई करना है, और इसे हम इसकी साइड चेंज करते रहेंगे, पलटते रहेंगे। अगर हम तेज़ आंच में कर लेंगे तो समोसे हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे, हमें इसे बिल्कुल क्रिस्पी रखने। हम इसे वो करते रहेंगे। देखिए हमारे समोसे बनके तैयार हो चुके हैं, आप लोग ज़रूर देख सकते हैं। समोसे हमारे तैयार हो चुके हैं, ये देखिए मैंने आपको तोड़ के भी दिखाया है, ये देख सकते हैं आप लोग। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।